तो भाई लोग मंडे 12 जून से स्टार्ट हो रहा है TNPL। TNPL को हम कहते हैं मिनी IPL। क्यों कहते हैं? क्योंकि IPL के बाद इंडिया में कोई जबरदस्त लीग होती है ना, वो होती है TNPL। और दोस्तों TNPL में जो पहला मैच है वो किसके मैच में खेला जाएगा? लाइका कवई किंग्स वर्सेस आई ड्रीम त्रिपुर तमीजहाम्स के बीच में। दोस्तों जो पहला मैच होगा उसे कौन सी टीम करेगी अपने नाम, लाइका कवई किंग्स या फिर आई ड्रीम त्रिपुर तमीजहाम्स? अगर हम यहाँ पे लाइका कवई किंग्स की बात करें तो पिछले सीजन ना चैंपियन बनते बनते रह गया था, क्योंकि जो फाइनल मैच था ना चिपॉक सुपर ग्लिच के सामने था, लेकिन उस मैच में बारिश आती है, मैच पूरा होता नहीं है और दोनों टीमों को कहते हैं कि भैया आधी आधी ट्रॉफी अपने नाम पे रख लो। लेकिन लाइका कवई किंग्स सोचेगा चलो पिछली बार तो आधे चैंपियन बने थे, इस बार पूरे चैंपियन बनेंगे। पूरे चैंपियन कैसे बनेंगे? जीत के साथ बैक टू बैक मैच जीतेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? जो पहला मैच है इसको हर हाल में जीतना होगा, जो शुरुआत है ना उसे जीत के साथ करनी होगी। वहीं दोस्तों आई ड्रीम त्रिपुर तमीजहाम्स की बात करें तो पिछले सीजन बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करी थी, तो बोलेंगे भैया पिछले साल को ना TNPL 2022 को बुरे सपने की तरह भूलते हैं और TNPL 2023 में करते हैं धमाका, चैंपियन बनने वाली परफॉर्मेंस करते हैं। तो पहला जो मैच होगा उसे कौन सी टीम करेगी अपने नाम, जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए आप देख डालें, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जब ये दोनों टीमें हेड टू हेड आमने सामने आई तब कौन सी टीम किस पे पड़ी भारी। तो अभी तक इनके बीच में 7 मैच खेला गया जिसमें से 5 मैच जीता लाइका कवई किंग्स ने और 2 मैच जीता आई ड्रीम त्रिपुर तमीजहाम्स ने। यानी जो आई ड्रीम त्रिपुर तमीजहाम्स की टीम है लाइका कवई किंग्स के सामने फिसड्डी साबित होती है। लास्ट के 5 मुकाबलों में 4 मुकाबला जीता लाइका कवई किंग्स, बस 1 मुकाबला जीता आई ड्रीम त्रिपुर तमीजहाम्स। अगर हम यहां पे देखें तो लास्ट के 5 मुकाबलों में जो दुर्दशा है आई ड्रीम की वो खराब है किसके, लाइका कवई किंग्स के सामने। तो आज के मैच में क्या होगा, क्या फिर से मैदान फतेह कर पाएगा लाइका कवई किंग्स या फिर त्रिपुर तमीजहाम्स करेगा पलटवार, लेगा पिछली हार का बदला? चलो एनालिसिस करते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले यार भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए और कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना TNPL के अलावा T20 ब्लास्ट चल रही है, द 100 लीग स्टार्ट होने वाली है, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहां पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जरूर ज्वाइन करें। बस एक चीज का ध्यान देना भैया, फेक से बचना, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कहीं से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में या जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग ये जो मैच है ना SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कोम्बिटोर में खेला जाएगा। इससे पहले यहां के मैदान पे TNPL के 9 मैच खेले गए जिसमें से 3 मैच में क्या हुआ, टारगेट डिफेंड, और 6 मैच में क्या हुआ, टारगेट चेज। मतलब यहां के मैदान पे ज्यादा मैचों में क्या होता है, टारगेट चेज होता है। मतलब 2 मैच में टारगेट चेज होता है तो फिर एक आता मैच में टारगेट डिफेंड होता है। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 167 रन, टारगेट चेज की बात करें तो 159, 159 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 175, 175 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 159 से 175 के बीच में स्कोर होगा आप समझ जाना, अभी जो मामला है ये तो बराबरी का आ गया, चेज भी हो सकता और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग जो यहां का सरफेस है ना वो ड्राई एंड हार्ड है, जिसकी वजह से होता क्या, जब तक बॉल नया होता है बैट पे काफी ज्यादा अच्छे से आता है, लेकिन जैसे जैसे पिच यूज होता है, मैच आगे बढ़ता है, बॉल पुराना होता है, जो स्पिनर्स गेंदबाज होते हैं वो कहते हैं कि भैया हम गेम में आ गए, और उनको काफी ज्यादा टर्न मिलता है, उनका जो बॉल होता है बैट पे काफी ज्यादा रुक कर आता है, या जो तेज गेंदबाज नकल बॉल स्लोवर का इस्तेमाल करते हैं उनके भी सामने रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए शुरू में यहां पर रन बनते हैं बाद में रन नहीं बनते। और बाउंड्री लेंथ जो है वो मीडियम है ना, बहुत ज्यादा बड़ी है ना बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन जब कंडीशन स्लो हो जाती है तो भैया कितनी भी छोटी बाउंड्री लेंथ हो रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो पहला मैच है ना इस मैच में आपको रन बनते हुए दिखेंगे, क्यों दिखेंगे, क्योंकि अभी पिच बिल्कुल फ्रेश है, जब फ्रेश है तो बैट पे बॉल अच्छे से आएगा, जब तक 2-3 मैच हो नहीं जाएंगे। तो आज के मैच में जो पावर प्ले का स्कोर है उसमें आपको 48 से 53 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है, 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 160 से 175 के बीच में देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहां के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो लाइका कवई किंग्स ने 4 मैच खेला, 3 जीता, बस 1 मैच हारा, यानी जो लाइका की टीम है इस मैदान पे बढ़िया परफॉर्मेंस करती है, एक हिसाब से इनका होम कंडीशन भी है, तो लाइका कवई किंग्स अपने होम कंडीशन में बढ़िया परफॉर्मेंस करके जाता है। वहीं दोस्तों आई ड्रीम त्रिपुर तमीजहाम्स की बात करें तो इन्होंने 3 मैच खेला, 1 मैच जीता, 2 मैच हारे, मतलब जो त्रिपुर की टीम है इस मैदान पे ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस ना कर पाई, ये कह रहे हैं भैया आई हेट यू यार तुम तो मुझे बिल्कुल पसंद ना आए, 3 खेले 1 जीते 2 हारे। और दोस्तों लाइका कवई किंग्स वर्सेस त्रिपुर तमीजहाम्स के बीच में यहां के मैदान पे एक बार आमना सामना हुआ जिसे लाइका कवई किंग्स ने अपने नाम पे किया, यानी पहले भी धूल चटा चुका है कौन, लाइका ने,
त्रिपुर तमिझाम को यहाँ के मैदान पे। तो आज के मैच में क्या होगा चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लाइका कवई किंग्स की। अगर हम इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो सुरेश कुमार के साथ अतीकुर रहमान ओपन करते नजर आएंगे। सुरेश कुमार की बात करते पिछले सीजन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी। अतीकुर रहमान की बात करें तो डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए, कमाल के ऑलराउंडर्स हैं जो बढ़िया बल्लेबाजी करने के साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी ऑप्शन भी देते हैं। तीसरे नंबर पे आपको साई सुदर्शन खेलते नजर आएंगे। साई सुदर्शन की बात करें तो भैया अभी आईपीएल में अहमदाबाद के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है। चौथे नंबर पे पी हेमचरण, हेमचरण की बात करें तो ठीक ठाक बल्लेबाज है, चौथे नंबर पे तेज तर्रार पारी खेल सकते हैं। पांचवे नंबर की बात करें तो कप्तान शाहरुख खान। अगर हम यहाँ पे शाहरुख खान की बात करें तो आईपीएल में बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी करते हैं और थोड़ी लंबी लंबी पारियां खेलते हैं और साथ में गेंदबाजी भी करते हैं, तो ऑलराउंडर वाली पूरी भूमिका निभाते कौन, शाहरुख खान। छठवें नंबर पे आपको यू मुकेश खेलते नजर आएंगे। अगर यू मुकेश की बात करें तो बढ़िया ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी से अपनी टीम को इंपैक्ट देते हैं। सातवें नंबर की बात करें आर दिवाकर, आर दिवाकर की बात करें तो बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं कर पाते लेकिन गेंदबाजी काफी सटीक करते हैं दिवाकर जी, तो अपने चार ओवर में काफी ज्यादा किफायती भी होते हैं, विकेट भी निकालते रहते हैं। आठवें नंबर पे वेलेप्पन युधिष्ठिरन खेलते नजर आएंगे। पिछले सीजन बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, एकाधा दो मैच हटा दिया जाता जब जब इनको मौका मिला, बढ़िया गेंदबाजी करी। नौवें नंबर की बात करें किरण आकाश, किरण आकाश काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, डोमेस्टिक में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है लेकिन टीएनपीएल में कभी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है कभी अच्छी नहीं होती। अगर हम बात करें दसवें नंबर की ओम प्रकाश जो कि जबरदस्त गेंदबाज है, हमेशा अपनी गेंदबाजी में धार पैदा करते हैं। ग्यारहवें नंबर की बात करें मनी मरन सिद्धार्थ की बात करते पिछले सीजन भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी लाइका कवई किंग्स के लिए, तो लाइका उम्मीद करेगा कि भैया जैसे पिछले सीजन गेंदबाजी करी थी वैसे इस सीजन भी गेंदबाजी बढ़िया कर डालो। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो लाइका कवई किंग्स की टीम है बल्लेबाजी इनकी जो है ना वो काफी ज्यादा सॉलिड नजर आ रही, गेंदबाजी भी इनकी ठीक ठाक है लेकिन जो इनके पास ऑलराउंडर्स है ना जो बल्लेबाजी के साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी करते वो काफी ज्यादा बैलेंस दे रहे हैं किसको, लाइका कवई किंग्स को। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे आई डीम त्रिपुर तमिझाम्स की बात करें जो इनकी प्लेइंग 11 है, बालचरण अनिरुद्ध और एनएस चतुर्वेदी दोनों ओपन करते नजर आएंगे। अगर हम यहाँ पे एनएस चतुर्वेद की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, बालचरण अनिरुद्ध की बात करें तो ये भी एक्सपीरियंस लेके आते हैं, जो इनकी शुरुआत होती है ना हमेशा तेज तर्रार होती है और काफी ज्यादा बढ़िया होती है। तीसरे नंबर पे कप्तान विजय शंकर की बात करें तो अहमदाबाद में अभी खेल रहे थे, जब जब इनको अहमदाबाद ने मौका दिया इन्होंने मैच जीता है, बढ़िया परफॉर्मेंस करी। चौथे नंबर पे पी भुवनेश्वरन खेलते नजर आएंगे। अगर हम यहाँ पे पी भुवनेश्वर की बात करें तो भाई साहब ये कमाल के बल्लेबाज है जो चौथे नंबर पे जैसी जरूरत होती है वैसी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पांचवें नंबर की बात करें एस गणेश की बात करें तो टीएनपीएल खेलने का एक्सपीरियंस है और जब जब इनको मौके मिलते बढ़िया परफॉर्मेंस करी भी है। छठवें नंबर पे विकेट कीपर बल्लेबाज तुषार रहेजा की बात करें तो पिछले सीजन सबसे ज्यादा रन बनाए थे किसके लिए, त्रिपुर तमिझाम के लिए। तो त्रिपुर बोलेगा पिछले सीजन तो कोई अच्छा नहीं कर रहा था, आप अकेले अच्छा कर रहे थे, इस बार भी आप अच्छा कर देना। सातवें नंबर पर राहुल हरीस की बात करें तो कमाल के ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी के साथ साथ ना गेंदबाजी भी ठीक ठाक करते हैं। आठवें नंबर की बात करें एस मणिगंधन की बात करें तो नया लड़का है लेकिन जिस तरह से डोमेस्टिक में गेंदबाजी करके आए हैं टीएनपीएल में काफी ज्यादा उम्मीद होगी कि इनसे बढ़िया गेंदबाजी करें। और नौवें नंबर की बात करें मोहम्मद अली भी ना जो अभी डोमेस्टिक खेला गया उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, तो उम्मीद करेगा त्रिपुर तमिझाम की यहां पे भी बढ़िया गेंदबाजी करें। दसवें नंबर की बात करें रवि श्रीनिवासन साई किशोर की बात करें तो काफी बढ़िया गेंदबाज है जो कि इंडिया के लिए भी खेल चुके एकाता टेस्ट मैच में और आईपीएल भी थोड़ा एकाता दो मैच में मौका मिला, मतलब ठीक ठाक है, अहमदाबाद की टीम के साथ रहते हैं हालांकि उतने ज्यादा मौके नहीं मिलते लेकिन यहां पे डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने करी है। और ग्यारहवें नंबर की बात करें तो गणेशन प्रिया स्वामी खेलते नजर आएंगे। तो गणेशन प्रिया स्वामी की बात करते पिछले सीजन अकेले ही त्रिपुर तमिझाम के लिए बढ़िया गेंदबाजी करी थी, तो इस बार उम्मीद करेंगे कि फिर से बढ़िया गेंदबाजी करें। अगर हम यहां पे देखें तो त्रिपुर तमिझाम की जो बल्लेबाजी इस बार ना वो बेहतर नजर आ रही है लेकिन जो गेंदबाजी है ना वो और भी ज्यादा कमाल की नजर आ रही है और इनके पास वो ऑलराउंडर्स हैं जो अपनी टीम को बैलेंस देते नजर आएंगे बल्ले गेंद के साथ, तो इनकी भी जो टीम है ना वो कह रही है कि भैया इस बारी हम किसी से कम नहीं है। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच के बिहाफ पे कंपेरिजन करें तो लाइका कवई किंग्स ने अपने लास्ट के सिक्स मैच में 5 मैच जीता, बस एक मैच हारे। पिछले सीजन इन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करी थी, बिल्कुल चैंपियन की तरह खेले थे। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 172 रन, जो कि यहां की पिच जो है ना काफी ज्यादा स्लो है, स्लो पिच पे 172 का बल्लेबाजी एवरेज होना बढ़िया था। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.13 जो गेंदबाजी एवरेज है ना ये थोड़ा सा महंगा है। आप बोलोगे 8.13 थोड़ा सा महंगा, हाँ जी क्यों महंगा है, क्योंकि यहां की स्लो पिच पे 8 के ऊपर अगर आपका एवरेज है तो थोड़ा सा महंगा ही है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें त्रिपुर तमिझाम्स की, इन्होंने लास्ट के सिक्स मैच में बस 2 मैच जीता, 4 मैच
हार गए। क्यों? क्योंकि इनका जो बल्लेबाजी एवरेज था 140 रनों का, जो कि काफी ज्यादा खराब होता है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 7.69 जो गेंदबाजी एवरेज होता है बहुत ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन बल्लेबाजी एवरेज इनका इतना ज्यादा खराब था कि आखिरी के 6 मैच में बस 2 मैच जीत पाए, 4 मैच इनका हारना पड़ा। तो अगर हम यहां पे देखें तो रिजल्ट में जो लाइका कवाई किंग्स की टीम है वो त्रिपुर तमिजहाम से बहुत ज्यादा आगे है। बल्लेबाजी एवरेज की बात करें तो यहां पे भी जो लाइका की टीम है त्रिपुर से आगे है, लेकिन गेंदबाजी एवरेज की बात करें यहां पे जो त्रिपुर की टीम है ना वो लाइका से बेहतर नजर आ रही है। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, क्योंकि हमने तो सारे एनालिसिस कर डाले, चलो अभी जानते कौन सी टीम ये जो मैच है उसे कर सकती है अपने नाम। लेकिन उससे पहले यार भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं ना, और आपको पता मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम यहां पे देखें जो लाइका कवाई किंग्स की टीम है वो आई ड्रीम त्रिपुर तमिजहाम से बेहतर नजर आ रही है, तो हम कह सकते हैं 60-40 का मैच है, 60 लाइका कवाई किंग्स एंड 40 आई ड्रीम त्रिपुर तमिजहाम। तो अगर आप यहां पे चाहें जो मजबूत टीम है लाइका कवाई किंग्स उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना आई ड्रीम त्रिपुर तमिजहाम अपने नाम पे कर सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपको पता ना टीएनपीएल के अलावा टी20 ब्लास्ट चल रही है, द 100 लीग स्टार्ट होने वाली, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहां पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जरूर ज्वाइन करें, बस एक चीज का ध्यान देना, फेक से बचना, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और किसी से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।